Hi guys, this is Romit Raj and you're watching Zoom Tele Talk. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आप इस रेड जैकेट में। थैंक यू सो मच। ये बताइए, सबसे पहले शुरुआत में वहीं से कर देता हूँ कि आपकी फिटनेस रूटीन क्या है, क्या करते हैं आप फिटनेस के लिए? देखिए, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई स्लीप ऑन टाइम जितना हो सके। बॉम्बे शहर में आई थिंक 10:30-11 बजे तक मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ एंड सुबह जल्दी उठता हूँ, कसरत करता हूँ 7 days a week एंड विपश्यना फॉलो करता हूँ, मैं विपश्यना करता हूँ एंड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ, अच्छे थॉट्स, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, ये हर दिन बोलता हूँ मैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत आई थिंक रिलैक्स करता है बॉडी को, माइंड को, मेंटल हेल्थ गेट्स बेटर एंड सिंपल ईटिंग। आई थिंक आई एन्जॉय माई फूड, मैं फूडी हूँ, सो मैं ये नो शुगर, ये सब वो सब कोई डाइट वाइट मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हैं जो 6 पैक लेके घूम रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं एंड प्रोटीन शेक्स पे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आई थिंक वो जीना भी क्या जीना, मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है, ये बताइए, साथ ही रेनी सीज़न भी चल रहा है, तो क्या करते हैं आप? जा पाते हैं बाहर घूमने? एक्चुअली चलिए मुद्दे पे आता है डायरेक्ट, आपको अच्छा लगता है रेनी सीजन? आई लव मानसून्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं बारिश, मतलब वो बचपन की याद भी दिलाता है। हम जब फुटबॉल खेलते थे, कीचड़ हो जाता था लेकिन हम खेल रहे हैं बारिश में, एक अलग मस्ती है। एंड आज भी जैसे मैं इफ़ आई एम रनिंग, मैं आई गो फॉर रनिंग इन द मॉर्निंग, बारिश हो रही होती है तो मैं बारिश में भीगता हूँ, बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि मीडिया से भी थोड़ी दूरियां बना रहे हैं आप, काफ़ी दिनों के बाद आपको पकड़ा है हमने। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? नहीं, आई लव टू इंटरेक्ट विद मीडिया एंड ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जी काफ़ी दिनों के बाद आपसे इंटरेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट हमेशा आपके थ्रू जब मैं फैंस के साथ बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि सीरीज़ आने वाली है, नाम गुम जाएगा, Did I spell correctly? जी हाँ। ये बताइए कि कैसे रिस्पॉन्स है लोगों से, फैमिली से, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? जी, मुझे बहुत मज़ा आया ये वेब सीरीज़ करके, बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ था। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल, ही इज़ गॉट, मतलब वेदर ही इज़ एन इनोसेंट गाय या फिर वो गिल्टी है, एक ऐसा किरदार कि क्या वो बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है या फिर वो एक आम आदमी है, ये पूरी वेब सीरीज़ जो है उसके ऊपर आधारित है। और क्या वो पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, क्या वो हीरो है या वो विलन है, ये सस्पेंस थ्रिलर जो है, ये बड़ा मज़ा आया मुझे काम करके। अच्छा, थोड़ा कुछ किरदार के बारे में अगर बता सकते हैं तो क्यों? देखिए, मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि ये जो किरदार है ये बहुत, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्ले, बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सारे टॉर्चर सीन्स थे जहाँ पर पुलिस जो है वो कन्फेस कराने की कोशिश कर रही है मुझसे कि क्या कि तुम जो एक उन्हें लग रहा है कि मैं एक नकाब मैंने पहना हुआ है एंड कैसे वो नकाब को तोड़ सकें, कैसे वो कन्फेस कर सकें कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ। तो ये जो एक इंटायर जर्नी है, एक कि इज़ ही रियली द जो पुलिस वाले सोच रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड है बॉम्ब ब्लास्ट का, या फिर जो वाइफ कह रही है कि नहीं ये मेरा 5 वक्त का नमाजी है, मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा नेक इंसान है, ये क्या बीवी जो कह रही है उसमें सच्चाई है या फिर जो कॉप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। ये पूरी वेब सीरीज़ इस पर आधारित है। साथ ही एक चीज़ पर और आपका व्यूज़ लेना चाहेंगे हम, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के पहले जो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट था वो टीवी की तरफ ज़्यादा था, फिल्म्स की तरफ ज़्यादा था। आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर पेंडेमिक, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो OTT, वेब सीरीज़, इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो दे आर गेटिंग यूज टू वेब सीरीज़। व्हाट डू यू फील अबाउट? सी, मेरा मानना यह है कि जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, खर्चे बढ़ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप 500 रुपये, 600 रुपये या 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन देकर पूरे साल आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो ऑडियंस जो है वो देखना पसंद करेगी। मोबाइल फ़ोन पे ईज़िली एक्सेस हो जाता है, सबसे अच्छी बात यह है। तो जो एक सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना मतलब 500 रुपये 1000 रुपये खर्च करना, 500 रुपये का पॉपकॉर्न, यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर मिडिल क्लास फैमिली एंड लोगों के पास वो वक्त भी नहीं है, कुछ लोग लेट आते हैं सो कहीं ऑफिस से, तो कहीं ना कहीं OTT पर फिल्में रिलीज़ हो जाती हैं तो उनको लगता है कि हमारे 1000 रुपये 1500 रुपये बच गए। यू नो एक इकोनॉमिक्स फाइनेंस एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, यू नो आप OTT पे फिल्म देख लो। दूसरी चीज़ ये है कि आज सोशल मीडिया, एक फिल्म रिलीज़ होती है फ्राइडे तो सब मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, यार ये पिक्चर सुपर हिट है या ये पिक्चर बकवास है। अगर एक फिल्म के बारे में अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए तो आधे लोग तो वैसे ही नहीं जाते देखने के लिए, उनको लगता है कि क्यों पैसे वेस्ट करें। एंड OTT पर भी ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म अच्छी है या फिर हर वेब सीरीज़ जो बन रही है वो अच्छी है, बहुत फिल्में यू नो इतनी अच्छी नहीं है, वेब सीरीज़ भी अच्छी नहीं है, लेकिन है वो कंटेंट यू नो OTT पर। एंड आपका जो सवाल था, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आप यू नो कुछ भी हो जाए यू नो आप पहले वो देखना चाहेंगे यू नो बिग स्क्रीन पर। अगर आप, ऐसा मेरा मानना है, जैसे राजकुमार हिरानी सर है या फिर संजय लीला बंसाली सर हैं, इनकी फिल्में आप पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर आप पहले आप हॉल में देखना चाहोगे, या फिर मूवीज़ लाइक टॉप गन या मिशन इम्पॉसिबल या क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म, यू नो यू विल वांट टू सी ऑल दीज फिल्म। सो सिनेमा हॉल में जाना इज़ एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर ऑन अ बिग स्क्रीन, जिसके लिए आपको पैसे, बहुत अच्छे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड OTT पर आप बटन प्रेस करो और आप मोबाइल फ़ोन पर आप देख सकते हो। लेकिन साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे ऑडियंस का ये कहना है कि इस चीज़ की वजह से OTT इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर भी असर पड़ता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर एक फिल्म जो है, अगर फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 10 फिल्में अगर बन रही हैं और रिलीज़ हो रही हैं महीने में, और अगर आपके पास 500 रुपये हैं खर्च करने के लिए, अगर आपने एक बजट बनाया हुआ है तो आप एक फिल्म ही देखोगे, बाकी की 9 फिल्में आप OTT पर देखोगे। और आज OTT पर आप बहुत जल्दी फिल्म भी आप देख लेते हो, और एंड कहीं ना कहीं एक ऑडियंस जो है वो ये सोच लेती है कि मुझे एक अच्छी फिल्म ही देखनी है बिग स्क्रीन पे। मुझे अगर फ्राइडे अगर मुझे एक रिव्यू पता चल जाता है फिल्म का कि वो फिल्म बकवास है, तो फिर वो ऑडियंस नहीं देखना चाहेगी। टीवी की अगर हम बात करें तो यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन टीवी एंड यू हैव बीन यू नो पॉपुलर स्टार इन टीवी, सो क्या प्लान्स है आगे? टीवी में आप काम करना चाहेंगे या OTT में या फिर फिल्म्स में, क्या प्लान्स क्या हैं? सी टचवुड, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मैंने टेलीविज़न भी किया, फिल्म्स भी की, OTT भी, मैंने 3 वेब सीरीज़ की अभी। सो एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू डू गुड वर्क। अब वो जो भी मीडियम में मुझे मिले, आई विल नेवर से नो टू वर्क। एंड आई वुड लव टू डू टेलीविज़न, क्योंकि मुझे टेलीविज़न करके बहुत मज़ा आता है। मेरे गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टचवुड दैट यू नो मेरे हर शो जो हैं वो 3-4 साल 5 साल 6 साल के ऊपर चले हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप हर दिन वो किरदार जो है निभा रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में आपके वो किरदार जो हैं वो यू नो चेंज हो जाते हैं। आपको एवरी यू नो ईच एपिसोड यू गेट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो बहुत अच्छा लगता है। आप वो ज़िंदगी जीते हैं एंड आपके फैंस के साथ आपको 1-on-1 इंट्रैक्शन होता है, सो वो बड़ा मज़ा आता है। साथ ही यू नो टीवी स्टार्स जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के, बहुत सारे जन ऐसा भी कहते हैं कि आप टीवी स्टार मत बुलाइए। लाइक टीवी को खुद से ही वो करते, काम टीवी में ही है, लेकिन दे फील की यू नो टीवी को ऐसा मत बुलाइए, मेरे को मत बुलाइए टीवी स्टार। आप, मैं कहूँगा कि आप मुझे टीवी स्टार बुलाइए। आई थिंक टीवी स्टार आप मुझे बुलाएंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मिस्टर अमिताभ बच्चन भी जब यू नो व्हेन ही वाज यू नो ही केम टू टीवी, he did television and wo you know he very proudly says that he is a part of KBC. so you know like I am grateful to God that mujhe television mila, and please call me television actor. and it's a 1.3 billion hamare Hindustan ki population hai, and if I am one of the few who are doing television and I'm a television actor, I think it's a blessing. Shahrukh Khan bhi television se shuruaat ki thi unhone, bilkul sahi kaha aapne। एंड आज आप देखिए, आप यू नो मीडिया में आप सब हैं, आप जब एक्टर्स को देखते हैं तो यू नो टेलीविज़न या फिर वेब सीरीज़ या फिर फिल्म, आई थिंक सब कर रहे हैं सब काम। देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो कर रहे हैं। मैं मतलब जैसे मैंने वेब सीरीज़ की, फिर मैं अभी टेलीविज़न कर रहा हूँ। सो यू नो आई थिंक वो जितने भी हमारे जो बड़े सुपरस्टार्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो जो लाइन है, जो वो एक थिन लाइन है फिल्म, टेलीविज़न, वेब सीरीज़ की, वो मिट रही है एंड सब अब काम कर रहे हैं. यू नो काम, वर्क इज़ वर्शिप एंड आई थिंक ऑडियंस का प्यार जो है वो आपको मिलेगा ही. आप वो टेलीविज़न करिए, अच्छा काम करिए, आप वेब सीरीज़ करिए या फिल्म्स करिए. करेक्ट. और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि राजन शाही के एक नए शो में आप काम करने जा रहे हैं. If you could speak a bit about it. See, I would just like to say I'm grateful to God. It's a blessing, to get this opportunity. And अपने सारे fans को कहूँगा बहुत बहुत thank you for your unconditional love. And उस शो के बारे में मैं अभी नहीं कह पाऊँगा. Because मैं चाहूँगा with all due respect to my sir. That सर पहले कहें शो के बारे में, उसके बाद में कहूँगा. लेकिन राजन शाही सर से हम अक्सर मिलते रहते हैं, उनके को बहुत सारे इवेंट्स पे जो भी होते रहते हैं, एपिसोड्स वगैरह. उन्होंने इतने बड़े बड़े शो दिए, ये रिश्ता क्या कहलाता, अभी अनुपमा चला, इट्स ग्रेट. लाइक क्या कहना चाहेंगे उस लेगेसी जो उन्होंने बना ली है? सी फॉर मी राजन शाही सर जो हैं, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड. He is an amazing human being. He is an amazing director. उनके साथ मैंने घर की लक्ष्मी बेटियाँ में काम किया था and मुझे वो बहुत पसंद है. He is so passionate and I have been always wanting to work with him. And मैं हमेशा से मेरा यही है कि as an actor it's a blessing to work with living legends and I'm very grateful to God and I would want sir to speak about the show first and then I will definitely interact with all of you. अच्छा, lastly आपसे जानना चाहेंगे, बर्थडे वीक है ये, है ना? If I'm not wrong now 9 तारीख को आपका बर्थडे है, तो कुछ प्लानिंग की हुई है? अजीब, it's a little unfortunate that I lost my mother last year and this is the first birthday without my mom and my mother was everything to me. My mother is everything to me. So हर मिनट हर सेकेंड आई मिस हर. बट द थिंग इज़ दैट आई हैव अ डॉटर एंड हर साल वो मेरे लिए कार्ड बनाती हैं एंड मेरा एक चीज़ मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप टू बी स्ट्रॉन्ग, आई टोल्ड माई सेल्फ दैट मेरी मॉम अप देयर, माई फादर ऑल्सो अप देयर, लाइक दे विल वॉन्ट टू सी मी हैप्पी, दे विल वॉन्ट टू सी मी स्ट्रॉन्ग एंड वही मंत्रा रख के आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ एंड आई नो दे आर ब्लेसिंग मी एंड आई थिंक उन्हीं की ब्लेसिंग है कि मैं वो नया शो कर रहा हूँ. I think they are looking after me, and they are, so it'll be a family day on my birthday. It'll be, we'll have family time, dinner, and hopefully I'll be shooting. Thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. Thank you so much. We really enjoyed it. Thank you.